वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम दीपक ग्रोव, आई एम ए ट्रैवल ब्लॉगर। और आज मैं पहुंच चुका हूं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे, और यहां से पहले मैं आज जाऊँगा गैंगटॉक। बिकॉज उसका एक रीज़न है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को नथुला पास बंद होता है, और अगर आप यहां से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से पहले, तो आप यहां से टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं। पीछे बोर्ड दिख रहे हैं, यहां पे रेलवे स्टेशन अलग से बना रखा है इन्होंने, तो अब यहाँ पे आप टॉय ट्रेन का वेट कर सकते हैं। मॉर्निंग में बहुत सारे शेड्यूल्स, अलग अलग टाइमिंग और टॉय ट्रेन चलती है, और बहुत ही प्यारा रूट है। बट मुझे पहले गैंगटॉक जाना पड़ रहा है, इसलिए गैंगटॉक जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे गैंगटॉक का सफ़र शुरू होता है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से। यहाँ से बाहर रेंटल टैक्सीज एंड बसेज मिलती हैं गैंगटॉक के लिए, तो मैं देखता हूँ मैं बस से जाता हूँ या टैक्सी से जाता हूँ। तो थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर। बस स्टैंड पे, और यहाँ से मुझे गैंगटॉक के लिए बस मिली है। मैंने दो टिकट्स बुक कराई मेरे अपने फ्रेंड के लिए। मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरा फ्रेंड मेरे संग उदयपुर ट्रिप पे गया था, विश्वदीप, वो मेरे संग इस बार फिर गैंगटॉक ट्रिप पे फिर से ज्वाइन करा उसने मुझे। तो हम दोनों यहाँ से गैंगटॉक के लिए बस लेंगे। तो मैंने 150 रुपीज़ पर ईच टिकट है गैंगटॉक के लिए, नॉन एसी। एसी का ज़्यादा चार्जेस, आई थिंक 200 या 250 का अराउंड चार्जेस है उसका, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं अभी 11:30 की टिकट ली है, तो अराउंड 4 आवर्स मुझे लगेगा गैंगटॉक पहुँचने में। वहाँ से फिर मैं कल ही, क्योंकि बिल्कुल आज हमारा पूरा दिन ट्रैवल में निकलेगा, तो कल मॉर्निंग से ही मैं लोकल सightseeing या नथुला का प्लान है कि कल हम नथुला जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको गैंगटॉक पहुँच के। हाय गाइस, मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं सिटी न्यूज़ शॉप पे, यहाँ पे एमजी मार्क पे भैया की, भैया का नाम है विवेक। तो इनसे ही मैंने परमिट बनवाया है नथुला के लिए। तो और भैया हर जगह परमिट बनाते हैं, और रीज़नेबल, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको भैया सब कुछ प्रोवाइड करा के देंगे, बाइक, परमिट, एवरीथिंग दे कैन प्रोवाइड। भैया थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपने बारे में बता दीजिए। मी माई सेल्फ विवेक, आई एम बेस्ड एट गैंगटॉक एंड आई हैव अ बाइक रेंटल कंपनी। And my travel name is City Tours and Travels. I'm running this business since 4 years. Thank you, भैया। तो भैया बहुत ज़्यादा friendly हैं। भैया का number मैं आपको description में add कर दूँगा, और कभी भी आप आएँ, आप एडवांस नहीं, भैया से मैंने भी फर्स्ट टाइम भैया से कॉन्टेक्ट किया, और बहुत ही फ्रेंडली हैं भैया ने, मुझसे कोई अमाउंट नहीं लिया, और पहले से मेरा परमिट वगैरह सब बना कर रखा, तो बस थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। तो भैया बहुत आपका काम पहले से एडवांस करा कर रख देंगे, आप आना है, बस आपको परमिट उठाना है और आराम से घूमना है। तो बस मैं मिलता हूँ आपको कल मॉर्निंग में नथुला के रूट पे ही। बाय बाय। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर बाइक रेंटल शॉप पर, यहाँ से बाइक पिकअप करनी है। तो अभी विश्वदीप भाई बाइक एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, इसमें उनको बाइक रिलीज़ करने से पहले फॉर्म भरना होता है और ड्राइविंग लाइसेंस का उन्हें फ़ोटो देना होता है, जिससे कि हम वापस आएंगे तो बाइक रिलीज़ हमें करनी होगी उनको। बस 2 मिनट हमें लगेगा फॉर्म भरने में, उसके बाद एक बार हम टेस्ट राइड लेंगे बाइक का कि बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एक बार बाइक की पिक्चर्स वगैरह ले लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कोई डेंट वेंट होता है, तो आपको बाद में पता लगता है, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो तो पहले ही बाइक की फ़ोटोज़ ले लीजिए कि बाद में जब आप सबमिट करने आए तो प्रॉब्लम ना हो आपको। तो बाकी बस एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं और निकलते हैं नथुला के रूट पर, मिलते हैं आपको वहीं पर। बाय बाय। ये है 3rd mile चेक पोस्ट, तो यहीं पर हमारा नथुला का परमिट चेक होता है। जो क्लिच है थोड़ा टाइट हो चुका है, तो इसलिए हमें यहाँ वेट करना पड़ रहा है। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ी देर में कोई बंदा आएगा तो उसके बाद हम यहाँ से निकल पाएंगे, तो आधा घंटा हमारा यहाँ वेस्ट होगा। कितना टाइम लग जाएगा भैया अभी इसे बनाने में पूरा? 15-20 मिनट। बाइक रिपेयर हो चुका है, बस भैया के साथ चला गया है विश्वदीप, साथ में गया है भैया की। आगे थोड़ा 15 miles पॉइंट है, वहाँ तक भैया उसको छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से हमें
एक गाड़ी में जा रहा हूँ, साथ में भैया मुझे वहाँ छोड़ेंगे, हम दोनों साथ में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नथुला के लिए। मैं थोड़ी देर में बस आपको मिलता हूँ नथुला पहुँच के। थैंक्स अगेन विवेक भाई फॉर कमिंग। मुझे तो लगा था कि यार नथुला नहीं जा पाऊँगा, बट किस्मत अच्छी है जो हमारी बाइक रिपेयर हो गई है। थोड़ा सा लेट चल रहा है शेड्यूल टाइम से, लेकिन कोई ना, आज नथुला पहुँच के ही मानेंगे। एंड विवेक भाई ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि अगर हमारी बाइक ख़राब हो जाती है तो हम आर्मी मैंस को अपनी रिपेयरिंग बाइक की पिक्चर्स वगैरह दिखा देंगे और थोड़ा कन्वेंस कर लेंगे तो हमें लेट एंट्री मिल जाती है नथुला पास पे। तो होप सो हमें आज लेट एंट्री मिल जाए। ये चांगुलेक से पहले एक मार्केट है, यहाँ पर आप रुक कर रेंटल जैकेट्स वगैरह ले सकते हैं, बिकॉज ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड होती है नथुला पास पे। एंड यहाँ पे आप लंच वगैरह भी कर सकते हैं, बिकॉज खाने पीने की सारी शॉप्स अवेलेबल हैं इसी पॉइंट तक, इसके आगे आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी। यहाँ से रेंटल ग्लव्स लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, हम गलती से ग्लव्स भूल आए हैं। तो आप ग्लव्स मत भूलना, बिकॉज बिना ग्लव्स के यहाँ गाड़ी चलाना मतलब आपके हाथ बिल्कुल गल जाएंगे। गल हो गया भैया चेंज, थैंक यू भैया। ये है चांगू लेक और हम यहाँ पे रिटर्न में रुकेंगे, बिकॉज नथुला पास पे पहले पहुँचना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे एंट्री क्लोज ना हो जाए। ये पहुँच चुका हूँ नथुला पास, ये है चाइना बॉर्डर और आप देख रहे होंगे ये है इंडिया का एंट्रेंस, जहाँ से हम नथुला के ऊपर एंटर करेंगे। अमेजिंग फीलिंग, इंडो चाइना बॉर्डर, बहुत मज़ेदार होने वाला है ये मेरा सफ़र। अभी हम बस एंटर कर रहे हैं। इस गेट से आगे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको आगे के व्यूज़ नहीं दिखा पाऊँगा चाइना बॉर्डर के। बट मैं यहाँ पे लेट पहुँचा हूँ तो मुझे आर्मी मैन ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करने दे दिए, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है deepakgrover4। बहुत ही प्यारी पिक्चर्स हैं, आपको ऐसी पिक्चर्स नथुला पास की और कहीं नहीं मिलेंगी देखने को। कभी कभी तो लेट पहुंचने में भी फ़ायदा होता है। फाइनली यहां से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं अच्छी अच्छी चाइना बॉर्डर की, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके देख सकते हैं। बहुत लेट हो गया इसलिए मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अमेजिंग मेरी जर्नी रही है ये। सबसे पहले हमने नथुला क्रॉस किया है और मैंने बहुत ऊपर जाकर सबसे अच्छे अच्छे पिक्चर्स लिए हैं, मैं आपको बहुत अच्छी शेयर करूँगा, दिखाऊँगा, आप वीडियो तो देख लेंगे। बस मैं अब यहाँ से बाबा मंदिर जा रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप पीछे, वो हम नथुला छोड़ आए पूरा देखा है, बहुत प्यारा है, बहुत मज़ेदार लोकेशन है, आपको लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहिए। मैं बाइक पर चलते चलते व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज हमें बहुत लेट हो रहा है और हम नीचे अगर लेट पहुँचते हैं 5 बजे के बाद तो फाइन भी चार्ज करते हैं हमसे, इसलिए बस मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय नथुला, लाइफ में मौका मिला तो एक बार दोबारा फिर आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। वाओ व्हाट अ व्यू मैन, आपको नथुला पास के रूट पे ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स देखने को मिलेंगी। खाली रोड्स पे बाइक चलाने में एक अलग ही मज़ा है। अभी मैं पहुंच चुका हूं बाबा मंदिर और यहां पूरा एकदम क्लोज हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं, ओके हम यहां पे पहुंचे हैं। टाइमिंग अभी हो रहा है टाइमिंग हो रहा है 3:16, 3:16 हो रहा है। और अभी हमें यहां से वापस नीचे गैंगटॉक भी जाना है, तो बस हमें बस बाबा जी के दर्शन करने आया हूँ। ये हमारे बाबा जी का मंदिर है अंदर का, ये यहाँ मान्यता है कि अगर आपका पानी यहाँ भर के आप जाते हैं और कुछ हफ्तों के लिए आई थिंक यहाँ पे रख देते हैं, तो उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं
तो आपकी सारी बीमारियाँ दुख दर्द जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। देखिए आप कितने लोगों ने यहाँ बोतलें रखी हुई हैं, तो देख सकते हैं आप मन्नतों के लिए लोग रख के जाते हैं। बाबा जी का अंदर फोटो विराजमान है। तो यही है मंदिर, बहुत अच्छा है। ये न्यू मंदिर है, ओल्ड मंदिर अभी हम नहीं जा पाए हैं बिकॉज बहुत लेट हो जाएंगे हम, इसलिए हम नहीं जा पाए हैं। बाबा जी की मतलब मान्यता क्यों है इतनी, आप थोड़ा बताएंगे इन्फॉर्मेशन इतना यहाँ पे। बाबा जी की मान्यता ये है सर, जैसे बाबा जी एक सोल्जर थे, 1966 में बाबा जी पंजाब रेजिमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी। 1968 में इनकी डेथ हो गई थी। ये आगे डोकलांग है, वहाँ से क्या बोलते हैं, ये घोड़े से किसी काफिले से जा रहे थे घोड़े के, तो घोड़े से नीचे गिर गए थे, पानी बह रहा था तो ये बहते हुए पानी में ये भी बह गए थे, तो इनकी डेड बॉडी मिली नहीं। बाद में दो दिन बाद इनको क्या हुआ, इन्होंने किसी अपने बर्थडे के सपने में बताया कि मेरी डेड बॉडी यहाँ पे। फौज ने भरोसा नहीं किया, मगर क्या बोलते हैं जाके देखा तो तब भी बॉडी वहीं पे मिली। तब से मान्यता ये है कि शरीर छूट गया था, आत्मा बच गई थी, आत्मा छुट्टी जाती थी, पूरे सिक्किम की प्रोटेक्शन की आत्मा, ये है इनकी मान्यता। ओके, और यहाँ पे पानी रखते हैं हम बाबा जी के नाम पे, उसकी क्या थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे? पानी रखने का ये प्रोसेस है, जैसे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मान्यता ये है कि उसको 7 days तक यहाँ पे रखा जाता है, फिर घर ले जाके 21 days तक पीना पड़ता है। उस ड्यूरेशन में आपको नॉन वेज और ड्रिंक का इस्तेमाल घर में कोई नहीं करेगा, ये मान्यता है, बोलते हैं सही हो जाता है। थैंक यू सर जी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए बाबा जी के बारे में, थैंक यू सर जी। तो सर ने हमारी हेल्प करी, बताया हमें बाबा जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो भाई यही मेन इन्फॉर्मेशन थी जितना बाबा जी की, यहाँ इतनी फेम हो गया बाबा जी का। तो अभी भी बोलते हैं कि अभी वो ड्यूटी पे है, यहाँ पे हेल्प करते हैं अदर सोल्जर्स की यहाँ पे। तो बाकी यही है, बाकी मंदिर बहुत अच्छी प्लेस पे है। तो आप अगर नथुला पास आते हैं तो उधर से ही नीचे लेफ्ट आना है, वहाँ से आपको नीचे थोड़ी 1-2 किलोमीटर का सर होगा डिस्टेंस, 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस पर मंदिर है। जैसे अभी हम लास्ट में आए तो हमें बिल्कुल एम्प्टी मिला है, वरना आप मॉर्निंग में आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा आपको। तो बस मैं यहाँ से निकलता हूँ थोड़ी देर में बस, और मैं आपको मिलता हूँ चांगुलेक के आसपास। बाय बाय। अभी हम बाबा मंदिर से वापस आ रहे थे, हमने ये ATM देखा। ये ATM जो है बैंक ऑफ इंडिया का है, 13,200 फीट की ऊंचाई में बना हुआ है। मेरा बहुत मन था मैं यहाँ से 100 rupees ही निकालूं, बस निकाल लूं एक यादगार के तौर पे बस, बट ये अभी बंद हो चुका है। ये 2014 में ओपन हुआ था बैंक ऑफ इंडिया ने, 10 नवंबर 2014 में इसको ओपन किया था। तब से इतना हाईएस्ट पीक पे ATM खुला हुआ है, लास्ट ATM का कोई ATM नहीं मिलेगा आपको। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चांगू लेक पे, और यहां अभी सब कुछ, यहां भी सब लोग जा चुके हैं क्योंकि हम थोड़ा लेट चल रहे हैं अपने टाइम से। तो यही है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही पूरी चांगू लेक है, उधर से लेके इधर तक पूरा एकदम अभी जमी नहीं हुई है, क्योंकि विंटर्स में आने तो आपको ये पूरी जमी हुई मिलेगी। और यही है चांगू बाबा मंदिर। तो यहाँ पाए तो यहाँ पे भी माथा टेक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ अंदर शिव जी का मंदिर बोलते हैं आसपास, और यहाँ पे ऊपर पीछे रोप वे भी है, तो आप ऊपर वो शायद ही देख पा रहे हो, वो ऊपर वायर्स हैं, तो ऊपर यहाँ नीचे एक हाउस है वाइट का, वहाँ से वो रोप वे से ऊपर लेकर जाते हैं। बट इवनिंग में ही बंद हो गया तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको लगे आपको टाइम है तो आप रोप वे से ऊपर जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हैं। बाकी व्यूज़ अमेजिंग, आप व्यू देखिए चांगू लेक का, बहुत अमेजिंग व्यू है। अभी हम गैंगटॉक के लिए रिटर्न हो रहे हैं, और आज का ट्रिप हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा, हमने सारी लोकेशंस को कवर किया। बस अभी इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज गैंगटॉक का अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड रहिए, बाय बाय, हैप्पी जर्नी।